सीआरपीएफ का बेरा सेवा स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर सीआरपीएफ के बैंड कंपनी की ओर से देशभक्ति संगीत की धुनों ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं इस मौके पर सीआरपीएफ के बिहार प्रभारी हेमंत प्रियदर्शी, उनकी पत्नी के साथ साथ नगर आईजी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। के झुकाव की वजह से उनके ऊपर आए दिन उन रियासतों के ऊपर हमले हुआ करते थे, जो जिनको वो डकैत कहते थे, लुटेरा कहते थे। उनसे सुरक्षा के लिए इस बल का गठन हुआ और इसका नाम रखा गया क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी। क्राउन मतलब महारानी विक्टोरिया के नाम से। इस मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा क्षेत्र के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा है। दरअसल पैर के ऑपरेशन के दौरान महिला आभा राय को गलत जगह पर सुई लग गई, जिस वजह से उसका एक हाथ काटना पड़ा। मामला करीब 11 महीने पहले का है। हाथ काटने के बाद वे 11 महीने तक पटना के एक अस्पताल में इलाज करा रही थी। पटना के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मुआवजे के लिए अपने बेटे के साथ ब्रह्मपुरा स्थित अस्पताल पहुंची, जहां अस्पताल के कर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की। इस दौरान अस्पताल में एक घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पीड़िता से लिखित आवेदन देकर जांच में जुट गई है। गई थी, गिरने के बाद यहाँ आए दिखाने, तो मेरा पैर गुल्ला टूट गया था। तो बोले कि आपको चेंज करना पड़ेगा, बॉल लगाना होगा। तो हम लोग ठीक है, सर्जरी कीजिए। तो सर्जरी की हुआ मेरा 3 फरवरी को। 3 फरवरी को सर्जरी हुआ। उसके बाद रात 8 बजे रात को हुआ। उसके बाद उन्होंने, मेरा दर्द शुरू हो गया 2 घंटा बाद 11 बजे के लगभग। मैंने कही कि इसमें मेरा दर्द हो रहा है, कुछ सोने दवा खा लेते या दे देते इंजेक्शन तो सो जाती। दवा लिख करके इंजेक्शन लिख कर दिए कि ले आने के लिए। मेरा बेटा ले आया, वो था शायद पानी में मिला कर के देने वाली इंजेक्शन थी। उन्होंने इसी तरह ट्राई करने लगे, इसमें वेन खोजने लगे, वेन नहीं मिला। तो फिर इस हाथ में, ये तो जी देते के साथ मेरा हाथ काला हो गया। पहले एक आभा देवी करके हमारे यहाँ भर्ती हुई थी, जिनका पैर में फ्रैक्चर था। ठीक है, उसका हमने ऑपरेशन किया, पैर के बिल्कुल ठीक हो गया, पैर में वो चल रही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। उस बीच में उनको इंजेक्शन पड़ने से हाथ में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ। उस इन्फेक्शन के लिए वो लोग पटना गए कि हम पटना इसका इलाज कराएंगे। पटना में उन्होंने इलाज कराया और इन्फेक्शन के चलते वो हाथ जो है सो गैंग्रीन में बन गया, और उसके बाद वहीं पर उन्होंने कटवा लिया। खबर मिली तो वहाँ पर वही प्रशांत जैसा ही कुछ मामला था, हल्ला हंगामा हो रहा था, उसमें 2 लोगों को लाया गया, डिटेन किया गया। यहाँ मिसबिहेव है पुलिस से। हाँ, मिसबिहेव भी पुलिस के साथ उन लोगों ने किया। और गुमला में बालू के अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल अवैध खनन से कोयल नदी पर बन रहे नए पुल के गिरने का खतरा बढ़ गया है। पहले भी बालू के अत्यधिक उठाव के कारण कोयल नदी पर बना संपर्क पुल ध्वस्त हो गया था। ग्रामीणों ने उपायुक्त को इसकी लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर ग्रामीण अब आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कोविड-19 का टेस्ट कराने आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण कुछ देर तक अस्पताल में भगदड़ की स्थिति बन गई। दरअसल आर्मी में भर्ती के लिए कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे लेकर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें लगी थी। बावजूद इसके अस्पताल में एक भी अभ्यर्थी का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, जिस कारण अभ्यर्थी नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। हम लोग का 15 तारीख 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आगे 24 घंटा का ये कोरोना का टेस्ट का टाइमिंग रहा था, तो करवाए सुबह से 10 बजे करवाए से अब तक टेस्ट का रिपोर्ट आया है, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से बहुत दिक्कत परेशानी। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड स्थित कढ़ान पंचायत में जल नल योजना में लूट का मामला सामने आया है।
दरअसल पंचायत के वार्ड नंबर 8 में घटिया निर्माण के कारण पानी की टंकी ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि टंकी धाराशायी होते ही मुखिया अपनी कमी को छुपाने के लिए रात को ही टंकी बनवाने लगे। ग्रामीणों ने मुखिया रंजन कुमार सिंह के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करते हुए उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। ये तो आपको बता दें कि मोतिहारी के केसरिया प्रखंड में कढ़ान पंचायत में नल जल योजना में लूट का मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड नंबर 8 में घटिया निर्माण के कारण पानी की टंकी ध्वस्त हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, ये नल जल योजना में लूट का मामला सामने आया है, यहां पे बताया जा रहा है कि टंकी ध्वस्त हो गई, इस पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है अब तक? जी, देखा जाए अभी तक कार्रवाई के नाम पर तो कहीं से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। फिलहाल जो है यहाँ केसरिया का आलम यह है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों और यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं आभा कुमारी और उनके मातहत जो लोग हैं उन लोगों का ये लूट खसूट में उन लोगों की इतनी संलिप्तता है, जिसका उदाहरण सामने दिखाई पड़ रहा है कि प्राथमिकता योजना से लगा जो टंकी है पानी लोड करने के समय ही वह ध्वस्त हो जा रहा है और पानी का फव्वारा सामने दिखाई पड़ रहा है। जो जल जीवन जिसको कहा जाता है कि अनमोल है और वो निरंतर बिना रोक टोक के बह जा रहा है, ये लूट खसूट का काफी मामला है। जी धनंजय, इसमें मुखिया रंजन कुमार सिंह का नाम सामने आ रहा है, क्या उन्होंने इस मामले पर कुछ कहा? उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने इस मामले पर कुछ कहा हो? उनसे बात हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि यह निर्माणाधीन है, जो टंकी है निर्माणाधीन है और किसी कारणवश ये ध्वस्त हो गया है, इसकी रिपेयरिंग हो रही है। लेकिन मेरे द्वारा जब ये पूछा गया कि इसको रात में मरम्मत कराने की वजह क्या है, तो उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि रात में इस योजना पर काम कराया जाना कहीं ना कहीं से लूट खसोट का मामला सीधा दिखाई पड़ता है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धनंजय। तो आपको बता दें कि मोतिहारी के केसिया प्रखंड में नल जल योजना का लूट मामला सामने आया है, जहां पर पानी टंकी में पानी लोड करते वक्त टंकी ध्वस्त होकर गिर गई। बिहार राज्य परिवहन निगम अगले 3 से 4 महीनों में 50 नई सीएनजी बसें खरीदेगा। वहीं 20 डीजल बसों के इंजन को सीएनजी किट में बदला जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर परिवहन विभाग और वन पर्यावरण विभाग के बीच सहमति बन चुकी है।